भाई आपने दीवारों पे लिखा तो देखा होगा ना कि यहाँ थूकना मना है। इसी तरह से इनकम टैक्स वालों को पता है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लोग लास्ट डेट में ही हल्ला मचाएंगे। वो यहाँ पे इनकम टैक्स वालों ने पहले ही बोला था कि भाई लास्ट मिनट में आप हड़बड़ी करने से अच्छा है कि पहले ही आप अपना आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कर दो। लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो लास्ट डे में ही होती है, तो इसी तरह से अब लास्ट डेट आ चुकी है 30 जून। तो 30 जून में अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप कैसे ये काम लास्ट डे में कर सकते हैं? देखिए, लास्ट डेट के अंदर में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, आपकी पेमेंट नहीं हो रही है, अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो वो भी दिक्कत आ रही है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर जो भी एरर आ रहा है वो आ रहा है, अभी फिलहाल जो नॉर्मल केस होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलेंगे। इनकम टैक्स की जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये वेबसाइट पे सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आप जो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना चाह रहे हैं उसका क्या स्टेटस है। ये स्टेटस देखने के लिए आपने यहाँ पर अपना डिटेल एंटर करना है। ये जो आप डिटेल एंटर करेंगे इसको लिंक स्टेटस जब आप चेक कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि आपका लिंक नहीं है। तब आप क्या करेंगे, आप लिंक आधार पर टच करेंगे। जैसे आप लिंक आधार पर टच करते हैं तो आपको आपका ये पेमेंट करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ लोगों को यहाँ एक्सक्लूड किया गया है जिनका पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना ज़रूरी नहीं है। तो ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, 90% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनको आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। तो हम अभी 90% वालों की बात करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अपना पैन कार्ड आधार कार्ड यहाँ डालते हैं, वैलिडेट करते हैं। इसके बाद हमें पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, फिर यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड दो बार डालते हैं। तो पैन कार्ड डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद कंटिन्यू करना है। मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड वाला ही आप डालें, कोई भी आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर आपके पास OTP आएगा, तो अगर मान लो आप किसी और का कर रहे हो तो ऐसे में आप क्या करोगे, अपना ही मोबाइल नंबर डाल देना। ये सिर्फ पेमेंट करने के लिए है, ये कोई इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ पेमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आपका नाम आ गया, आपका पैन नंबर आ गया, ये चीज़ आपने वेरीफाई कर ली, कहीं पता लगे किसी और का पेमेंट आप कर दो। तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इस पे आपको इनकम टैक्स पे जाना है। इनकम टैक्स पे जब आप टच कर रहे हैं तो यहाँ आपको चालान नंबर एक विशेष नज़र आएगा, चालान नंबर 500। तो सबसे पहले आपको साल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ 24-25 सेलेक्ट करना है। 24-25 जब आप सेलेक्ट करोगे मतलब अभी जो साल चल रहा है वो 24-25 है, ठीक है। तो आप 24-25 सेलेक्ट करेंगे और टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर में कौन से टाइप का पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए अलग से बताया गया है कि अदर रिसीट, मतलब ये सरकार के लिए एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम है, तो इसे अदर रिसीट करके इनकम टैक्स वाले कलेक्ट कर रहे हैं। ये एक तरह का फाइन है जो अभी आप 1000 रुपये दे रहे हैं। तो यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद हमें हमारा 1000 रुपये पे करने के लिए सीधे सीधे कहा जा रहा है। हो सकता है 30 जून के बाद ये अमाउंट बढ़ जाए और बढ़ा के अमाउंट हमसे लिया जाए। तो फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने पे हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, मतलब पेमेंट के लिए तो भाई सारे ऑप्शंस खुले ही हैं। जो भी पेमेंट आप सिलेक्ट करना चाहें, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर NEFT करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका मैं आपको ये बताऊँगा कि चाहे आप डेबिट कार्ड से करिए या फिर आप UPI से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ वो मैं आपको डेबिट कार्ड का दिखा रहा हूँ। तो मैं फटाफट इस ऑप्शंस को देख लेता हूँ। यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे पे जाएंगे और पेमेंट गेटवे पे जाके हम अपना डेबिट कार्ड से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, अगर आपका यहाँ पे पेमेंट अभी अटकती है तो फिर सॉरी, आप इसे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ हमने बैंक सेलेक्ट कर लिया और बैंक सेलेक्ट करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। पे नाउ में आपसे ये डिटेल्स भरवाई जा रही है और इसके बाद आपको सबमिट टू बैंक करने के लिए कहा जा रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ UPI का ऑप्शन दे रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। बाकी इस वीडियो में मैंने जो पेमेंट की है वो डेबिट कार्ड के थ्रू की है। तो यहाँ हम डेबिट कार्ड की सारी एंट्री करते हैं, इसके बाद हमारा OTP से हम पेमेंट कर देते हैं। तो क्या पेमेंट करने के बाद हमारा तुरंत आधार कार्ड से लिंक हो गया? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक तरह की आपकी लेट पेमेंट की फीस हुई है, अभी भी आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। तो आप जो ये लिंक कर रहे हो, जो पेमेंट कर रहे हो ना, ज़रूरी नहीं है कि ये अभी के अभी आपका आधार से लिंक हो गया। तो अब जो आपको दिख रहा है ये आपकी पेमेंट हो चुकी है लेकिन आधार से पैन लिंक नहीं हुआ है,
यहाँ पे नॉर्मली ये कहा गया था कि 4 दिन का समय लगता है, मतलब पेमेंट कर दी उसके 4 दिन के बाद आपकी पेमेंट अपडेट हो जाएगी, फिर आपको पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा। तो मजे की बात यह है कि अगर हम लास्ट डे में ही पेमेंट करेंगे तो हम अपना पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कैसे कर पाएंगे ये हमें नहीं पता है। अगर आप आज के दिन में पेमेंट करते हैं 30 तारीख को या 29 तारीख को, तो आपकी पेमेंट जो है आज एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन लिंक करने का काम शायद आपको बाद में अलाउ किया जाएगा। तो वो लिंक कैसे करना है ये हम चल के देख लेते हैं। तो हमने अपनी पेमेंट कर दी, इसको आप चालान को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप वापस जब 3-4 दिन बाद जाएंगे तो फिर आप लिंक करने के ऊपर जाएंगे, पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने पे आपको यहाँ दिखा रहा है कि भाई इस पैन नंबर के ऊपर में ये चालान आ रहा है। जब तक ये चालान डिटेल आपको नहीं आती है, इसका मतलब है कि जो आपने पेमेंट की है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो इसको अपडेट होने देना है, उसके बाद ही आप लिंक का काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो हमारे को वापस से हमारी डिटेल एक बार वेरीफाई करवाएगा, जिसमें पैन नंबर, आधार नंबर, नेम एज पर आधार और मोबाइल नंबर, और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ है। जैसे मान लो कि किसी का है 1958, तो अगर सिर्फ 1958 लिखा है, डेट नहीं लिखी है, तो आपको ऊपर वाला टच करना है, वरना आपको ऊपर वाले को टच नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाले को टच करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई एग्री कि भाई मेरा बैंक आधार डिटेल से वेरीफाई कर दो। उसके बाद हमने OTP भेज दिया और यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई हमने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, और 48 घंटे बाद हम बताएंगे कि आपका लिंक हुआ या नहीं हुआ। तो अभी भी लिंक नहीं हुआ है, आपने रिक्वेस्ट भेज दी है। अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आता है तो आप मान लीजिए कि आपका लिंक हो गया है, और उसके बाद आप मान लीजिए 2 दिन बाद आप फिर से चेक कर सकते हैं कि आपका लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको कहाँ जाना है, आपको स्टेटस पे जाना है। स्टेटस पे जाके आप जब अपना आधार और पैन लिंक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस नज़र आ जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जिसमें हमने पेमेंट करना देखा कि कैसे कैसे हम पेमेंट करते हैं। अब समस्या ये है कि लास्ट डेट है, तो लास्ट डे में अगर पेमेंट अटकती है तो प्रॉब्लम है, अगर आधार पैन में डिटेल मिसमैच होता है तो प्रॉब्लम है। तो आपको अगर ये समस्याएं आ रही हैं तो आप ट्राई करते रहिए 30 तारीख को भी। अगर मान लीजिए एरर आता है तो फिर आगे क्या होगा वो हमें 1 जुलाई को ही पता लगेगा। मिलते हैं 1 जुलाई को, देखते हैं कि अब इनकम टैक्स वाला इस डेट को बढ़ाता है या फिर फाइन को बढ़ाता है या फिर क्या करेगा, वो 1 जुलाई को ही पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।